हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5 का जीके प्लैनेट जो है उसका 28 चैप्टर नंबर सेक्रेट प्लांट्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है आपका कदम, KADAM, कदम, KADAM, कदम जो है वो आपका इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड जो आपका है, दिस इज़ द फ्रेग्रेंट फूड ऑफ दिस ट्री इज़ मेड इनटू पेस्ट विच इज़ देन यूज फॉर वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु एंड शिवा। ध्यान रखिएगा, एक फ्रेग्रेंट वुड है आपका, एक ऐसी लकड़ी है जिसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। उस ट्री से जो है वो हम लोग एक पेस्ट बनाते हैं और इस पेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, लॉर्ड विष्णु और जो शिवा है उनकी वर्शिप पूजा करी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, चंदन जो होता है ना वो है। ये इंग्लिश में इसे कहते हैं सैंडल वुड, तो इट इज़ सैंडल वुड, SANDAL, सैंडल वुड, WOOD, तो सैंडल वुड। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विष्णु और शिवा के लिए जो हम फ्रेग्रेंट वुड यूज करते हैं वो है आपका सैंडल वुड। नेक्स्ट जो आपका है थर्ड नंबर वो आता है, द गॉडेस लक्ष्मी एंड सरस्वती सिट ऑन दिस फ्लावर। इस फ्लावर पे कौन बैठा हुआ है, तो आपकी देवी लक्ष्मी हैं वो और जो सरस्वती हैं वो बैठी हैं। एंड दिस फ्लावर इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद लॉर्ड ब्रह्मा, और ये जो फ्लावर है वो ब्रह्मा जी से भी रिलेटेड है। तो आई थिंक इसका आंसर तो आपको ईजीली आ ही रहा होगा। तो ये आपका लोटस है, ये आपका कमल का जो फूल है वो है लोटस, LOTUS, लोटस, ये हो गया आपका लोटस। नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज़ द फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज़ यूज्ड इन मैनी रिलीजियस सेरेमनीज ऑफ हिंदूज एंड इवन डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रसाद। ध्यान रखिएगा, प्रसाद के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रसाद, प्रसाद के रूप में किसे बांटा जाता है। एक फ्रूट है आपका जिसे आप हमारे हिंदू के जो धार्मिक सेरेमनीज होती हैं, रिलीजियस सेरेमनीज होती है, उसमें उसका यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो बांटा अगर जाए ऐसा बात बोले तो ये हो जाएगा आपका कोकोनट, दिस इज कोकोनट, कोकोनट, COCONUT, कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है आपका, द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर हंग नियर द एंट्रेंस टू मार्क एन एस्पिशियस ओकेजन एंड आर ऑल्सो यूज एज प्लेट टू गिव प्रसाद। ध्यान रखिएगा, इसकी जो लीव्स होती है ना उनका यूज़ प्रसाद की प्लेट के रूप में किया जाता है। इससे पहले हमने जो किया था एज प्रसाद, उसको खुद जो है प्रसाद के रूप में दिया जाता, तो दिस इज़ कोकोनट। एंड ये बोल रहा है इसकी जो लीव्स होती हैं वो हमारे एंट्रेंस पे हम लोग हंग करते हैं, लटकाते हैं, कब, जब हमारा कोई ऑस्पिशियस ओकेजन जो है वो होता है, यानी कोई धर्म से रिलेटेड आपका शुभ जो ओकेजन है वो होता है, तो उस समय हम इसकी जो लीव्स हैं उनको अपने घर के यहाँ पे बांधते हैं। और इसके अलावा इसकी लीव्स की, ध्यान रखिएगा, इसकी लीव्स जो होती हैं उनका यूज़ आप कैसे करते हैं, प्रसाद की प्लेट के रूप में करते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका बनाना, ये जो है वो आपका बनाना हो जाएगा, तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा बनाना, BANANA, बनाना जो है उसकी लीव्स का यूज़ हम प्रसाद की प्लेट्स के रूप में करते हैं, और इसकी जो लीव्स होती हैं उनको एंट्रेंस के वहाँ पे हैंग भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद गॉड दुर्गा, गॉडेस दुर्गा, दुर्गा जो है उसके साथ में हम लोग इनको जोड़ते हैं। एंड मैनी पीपल बिलीव दैट दिस ट्री हेल्प्स इन कीप ईवल स्प्रीट्स एट बे। तो ये कह रहे हैं कि जो ईवल स्प्रीट्स होती हैं वो जो हैं ईविल स्प्रीट से भी हमें बचाए रखने का जो है वो ये ट्री काम करती है। और इसके अलावा जो है इसका जो रिलेशन है इस ट्री का वो आपकी गॉडेस दुर्गा जो है, दुर्गा जो देवी हैं उनसे है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा नीम ट्री, NEEM, नीम ट्री। नेक्स्ट जो है वो आपका नेक्स्ट वन इज़, दिस ट्री हैज़ बीन साइटेड इन एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत एंड इवन इन द पुरानास। तो ये जो आपकी ट्री है इसके बारे में आपको जो है वो बहुत सारे ग्रंथों में, जैसे आपके रामायण है, महाभारत है, पुराण है, इनके बारे में आपको पता चलता है। एंड द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर ऑलवेज
hung by string to express the auspiciousness of an occasion. एक occasion जो है हमारा कोई भी occasion है, कोई भी अगर त्यौहार है, कोई भी अवसर है, तो वो बहुत ही शुभ है, इसके लिए हम इसकी leaves जो हैं उनको hang करते हैं. तो ये जो है और इसके बारे में आपको जो पता चलता है वो आपके बहुत सारे epics में मिलता है. दिस इज़ रामायण, महाभारत और पुराण. तो अगर इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा ट्री, ये आपका हो जाएगा मैंगो ट्री. तो ये हमारा मैंगो ट्री जो है वो है MANGO. दिस इज़ मैंगो ट्री है, वो हो गया आपका. एंड नेक्स्ट जो है वो आपका आता है 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसमें है दिस ट्री इज़ जर्नली सेट टू बी द हम्बल अबॉड ऑफ लॉर्ड कृष्णा. ये जो है ध्यान रखिएगा, ये नेक्स्ट जो ट्री हम पढ़ रहे हैं ये आपकी लॉर्ड कृष्णा का जो है वो हम्बल अबॉड है, यानी निवास स्थान है, बहुत ही अच्छा निवास स्थान है इनका रहने का. एंड इट इज़ ऑलवेज फाउंड आइदर नियर अ टेम्पल और देयर इज अ श्राइन बिलो द ट्री इटसेल्फ. तो ध्यान रखिएगा, ये जो पेड़ है ना आपका, ये टेम्पल के या तो पास मिलेगा, नहीं तो फिर इसी के ट्री जो है उसके आसपास में जो है वो कोई मंदिर वगैरह बनाया जाता है. तो अगर आपको लॉर्ड कृष्णा जो है उसका हम्बल अबॉड बोल दिया जाए, यानी लॉर्ड कृष्णा का एक निवास स्थान है आपका, बहुत ही अच्छा निवास स्थान है, अगर उसकी बात करें तो इसका आंसर आपका होगा बनियन ट्री. इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, बनियन ट्री. तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बनियन ट्री, BANYAN, बनियन ट्री. चलिए ये हमारा ये हो गया है. और जो इसका इसमें ये जो क्रॉसवर्ड दे रखा है ये आप खुद फिल करेंगे ताकि हमें पता चले दैट कितना आपको समझ आया है. जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए, नंबर 1 है तो उसका आंसर इस टाइप से होगा, 2 है तो वो आपका ये है, तो इस टाइप से इसको फिल करना है खुद. चलिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.